काम विकार का मन पर बड़ा घातक दुष्प्रभाव पड़ते हुए भी आज के लोग चलचित्र में, नाटकों में चोरी, डकैती, लूटपाट, प्रेमी प्रेमिकाओं के दृश्य देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे के चित्र पर उन दृश्यों का बड़ा घातक असर पड़ता है। आज से दो पीढ़ी पहले 20-20 साल के युवक युवतियां जिस बात को नहीं जानते थे, उसे आज चलचित्र दिखाकर 11 साल के बच्चे जान जाते हैं और अपना सत्यानाश कर बैठते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा ही होगा कि विदेश में 11 साल की लड़की और 12 साल का लड़का माँ बाप बन गए। कितना भयंकर अनर्थ हो रहा है गंदे चलचित्रों से। आज दादा दादी, माता पिता और बच्चे बच्चियां, ये तीन तीन पीढ़ियां साथ में बैठकर चलचित्र टीवी देखते हैं। तीन तीन पीढ़ियां एक साथ अपने मन को मलिन कर रहे हैं। होता तो प्लास्टिक की पट्टियां और कैमरे का कमाल, वास्तविक तो कुछ और ही होता है, लेकिन उन्हें देखकर लोगों के मन मलिन हो रहा है। इससे भारत का भविष्य खतरे में है। भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना है तो ये तीनों पीढ़ियां संत महापुरुष के सानिध्य में जाएं और भगवत भजन, भगवत दान एवं भगवत ज्ञान की महिमा को समझकर तदनुसार आचरण करें। अभिभावक अपने बच्चों को भी भगवत भक्तों, देशभक्तों और महापुरुष की गाथाएं सुनाएं, उनमें शुभ संस्कारों का चिंतन करें। मनोरंजन के नाम पर जो चलचित्र दिखाए जाते हैं, उनमें भी समाज में सुख शांति और सदाचार का संदेश देने वाली कहानियां दिखाए तो अच्छा है। अपने ओजवीर की रक्षा करें एवं युवाधन सुरक्षा पुस्तक का अध्ययन स्वयं तो करें ही, इसके प्रत्येक युवक युवती तक पहुँचाने का भी संकल्प करें, ताकि देश का युवाधन जागरूक, संयमी एवं मजबूत बने।